नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और आप सबको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं दो फिल्म रनवे 34 और हीरोपंती 2 के दो दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ मैं बात करूंगा इसकी ऑक्युपेंसी का परसेंटेज कितना रहा तथा पब्लिक का रिएक्शन क्या था इन फिल्मों को देखकर। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात करता हूं रनवे 34 की। दोस्तों, रनवे 34 अजय देवगन के डायरेक्शन में बनी फिल्म है और ये फिल्म बहुत ही लीक से हटकर है, बहुत ही मजेदार है और ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। रनवे 34 फिल्म बॉलीवुड के लिए एक फ्रेशनेस है, एक नई ताजगी है कि इस तरह की फिल्म का निर्माण बॉलीवुड ने शुरू किया। दोस्तों, रनवे 34 के बारे में इतने अच्छे रिव्यू के बावजूद फर्स्ट डे का इसका कलेक्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। फर्स्ट डे ये फिल्म मात्र 3.5 करोड़ की कमाई की। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट डे का हीरोपंती 2 का कलेक्शन कैसा रहा। दोस्तों, फर्स्ट डे हीरोपंती 2 6.5 करोड़ यानी लगभग 7 करोड़ की कमाई की, जो कि रनवे 34 के दुगने से ज्यादा की कमाई है। दोस्तों, इसका कारण है कि हीरोपंती 2 को स्क्रीन भी ज्यादा मिले और हीरोपंती 2 की एडवांस बुकिंग भी ज्यादा थी। फ्रेंड, फिल्म देखने से पहले लोगों को समझ में नहीं आता है कि फिल्म कैसी है और फिल्म देखने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन मासेज में फैलते जाती है और उसी रिएक्शन को लेकर फिर दोबारा दूसरे लोग फिल्म देखने आते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं दूसरे दिन यानी सैटरडे को इन दो फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा रहा। फ्रेंड, इसे बताने से पहले मैं आपको एक बार दोनों फिल्म के एक लाइन में एक रिव्यू कर देता हूं। देखिए दोस्तों, रनवे 34 अजय देवगन की बनी एक बहुत ही अच्छी फिल्म है जो ट्रू स्टोरी पर आधारित है। ये फिल्म अजय देवगन एक प्रयोग के तौर पर बनाए हैं जो कि बहुत बेहतरीन है। इसमें अभिनेताओं की एक्टिंग भी लाजवाब है, महानायक अमिताभ बच्चन की एक्टिंग बहुत ही प्रभावशाली है तथा अजय देवगन और दूसरे अन्य कलाकार की भी एक्टिंग अच्छी है, साथ ही साथ इसका निर्देशन भी बहुत ही काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, सब कुछ अच्छे रहने के बावजूद इस फिल्म को पब्लिक पहले दिन देखने सिनेमा हॉल में बहुत अधिक संख्या में नहीं गए, मात्र 10% से 20% के बीच ऑक्युपेंसी रही। तो दोस्तों, दूसरे दिन की बात करने से पहले मैं हीरोपंती 2 का पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और उसके ऑक्युपेंसी की बात करता हूं। दोस्तों, हीरोपंती 2 एक महंगी फिल्म है जो 100 करोड़ से ऊपर के लागत में बनी है और रनवे 34 मात्र 40-50 करोड़ के लागत में बनी है। तो दोस्तों, हीरोपंती 2 फिल्म का क्रेज दर्शकों में शुरू से ज्यादा था और ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 6.5 से 7 करोड़ की कमाई की, जो कि रनवे 34 के दुगने से अधिक है। अब दोस्तों, मैं बात करता हूं ऑक्युपेंसी की। तो फर्स्ट डे इस फिल्म की ऑक्युपेंसी रही 40-50% के बीच में। तो दोस्तों, हीरोपंती 2 चूंकि नए जनरेशन के हीरो, इसमें टाइगर श्रॉफ है, इनका क्रेज दर्शकों पर बहुत है। आजकल के युवा टाइगर श्रॉफ का फॉलो करते हैं और इसीलिए पहले दिन बहुत अधिक संख्या में, रनवे 34 के तुलना में बहुत अधिक संख्या में पहुंचे इसे देखने। दोस्तों, अब एक लाइन में इस फिल्म का भी रिव्यू कर दूं। तो दोस्तों, एक फिल्म देखने के बाद मुझे क्रोसिन गोली खाना पड़ा, लग रहा था कि मैं आधे से ही निकल जाऊं। क्या फिल्म है यार, कब फ्लैशबैक दिखा रहे हो, कब फ्लैशबैक खत्म हो रहा है, कब स्टोरी प्रेजेंट में चल रहा है, कब पास्ट में चलने लगता है, यही पता नहीं चलता है। दूसरी बात है कि निर्देशक इसका जो अहमद खान है, कौन निर्देशक बनाया है यार, पूरी तरह से कंफ्यूज है। कहानी तो सोचा अच्छा गया, एक साइबर क्रिमिनल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वो चाहता है कि सभी बैंक को हैक कर लिया जाए और उसका पैसा मैं ले लूं, बस इतना कहानी है। उसका नाम लैला है, आप वो सब छोड़ दीजिए कि वो नाखून में नेल पॉलिश लगाता है कि लिपस्टिक लगाता है, वो तो लोग तरह तरह से सोचते हैं कि फिल्म में इस तरह के कैरेक्टर मैं दूं जिससे दर्शक ज्यादा देखने आए। तो उसके बाद बबलू उसके लिए काम करता है, फिर क्या बबलू उसका पर्दाफाश कर पाता है, क्या पुलिस उसको अरेस्ट करती है या वो मारा जाता है, ये सब तमाम चीजों का जवाब आपको फिल्म में मिलेगा, हालांकि इसका अंदाजा पहले ही लग जाता है। इस फिल्म में सबसे खराब बात है डायरेक्शन बहुत खराब है, साथ ही साथ स्क्रीन प्ले और स्टोरी को भी बहुत अच्छे से बिल्डअप करके रखा नहीं गया है। तो दोस्तों, लोग कंफ्यूज हैं इस फिल्म को देख के कि क्यों यार उतना दूर से आए, पैसा बर्बाद किए। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं दूसरे दिन का। तो देखिए, दूसरे दिन रनवे 34 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसमें करीब 32
50% का उछाल आया और ये फिल्म करीब 5.5 से 6 करोड़ तक की कमाई की सैटरडे को, तो समझ लीजिए दुगुना का बढ़त हुआ। और यही देखिए इसका, टाइगर साहब की फिल्म हीरोपंती 2 का, इसके कमाई में गिरावट आई और इसकी ऑक्युपेंसी भी कम रही। दोस्तों हीरोपंती 2 फिल्म दूसरे दिन 4.5 से 5.5 करोड़ तक की कमाई की तथा संडे के कलेक्शन के बारे में देखना पड़ेगा, संडे को दोनों फिल्मों के कलेक्शन में निश्चित ही सुधार होगा। तो दोस्तों इसके बारे में आपके क्या विचार हैं आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।